नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसीता उन्नीकृष्णन, सहायक निदेशक इग्नो क्षेत्रीय केंद्र कोचिन से आप सबका इस फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। इस फेसबुक लाइव सेशन के द्वारा मैं आपको कुछ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑफ इग्नो के बारे में बता के दूंगी। मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑफ इग्नो एज अ फैसिलिटेटर फॉर करियर एनहांसमेंट है मेरा इस फेसबुक लाइव सेशन का टॉपिक। इस फेसबुक लाइव सेशन में आपको पहले तो मैं कुछ फीचर्स ऑफ इग्नो शेयर करूंगी और हम ये प्रोग्राम्स क्यों करें उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको शेयर करूंगी, और उसके अलावा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के बारे में आपको अधिक जानकारी भी दूंगी। जैसे आप सबको पता होगा, हमारा इग्नो एडमिशंस अभी ओपन है। जुलाई 2023 एडमिशन साइकिल ओपन है। इसकी जो लास्ट डेट है 30 जून 2023 है, तो लास्ट डेट के पहले आप सबके सबसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ अप्लाई करें। तो क्यों हम इग्नो में से ये प्रोग्राम्स करना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। पहले तो हमारे कौशल को बढ़ावा देने के लिए इग्नो के ये प्रोग्राम्स बड़े लाभदायक होते हैं। उसके अलावा हमारे करियर को बढ़ोतरी देने के लिए भी ये प्रोग्राम्स काफ़ी लाभदायक होते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसे आपका अगर प्रोफाइल बढ़ाना है एज एन इंडिविजुअल, तो आप ये प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अगर आपको अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने हैं तो इसके लिए भी आप इग्नो के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको बढ़ोतरी देता है, और ये आपके ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए भी लाभदायक होता है। इग्नो के सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो है आपके नॉलेज की बढ़ोतरी के लिए होते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ज़रूर आपकी मदद के लिए आते हैं। अगला मैं आपसे शेयर करूंगी इग्नोज के कुछ फीचर्स के बारे में। पहला जो फीचर है ये NAC A++ एक्रेडिटेड एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थान है। ये जो इग्नो है वो सेंट्रल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित किया हुआ हो एक शैक्षणिक संविधान है, और इसके जो सारे प्रोग्राम्स है वो NEP 2020 के कंप्लायंस में किए गए हैं, और इसके जो सारे जो प्रोग्राम्स के जो पाठ्यक्रम है इग्नो का, उसके बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ https://egyankosh.ac.in पे आप लॉगिन कीजिए और आपके इसके बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे जो सारे प्रोग्राम्स हैं एक मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करते हैं, और हमारा जो प्रोग्राम्स है सब एक मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो करता है। इग्नो के कुछ कुछ प्रोग्राम्स, जैसे अगर आपको लैटरल एंट्री लेनी हो तो आपका जो एंट्री पॉइंट है वो निश्चित होता है, पर एक्सिट पॉइंट जो है वो आप निश्चित करते हैं। तो इसका जो मतलब होता है मॉड्यूलर अप्रोच, जिसको हम कहते हैं। हमारे इग्नो के सारे जो प्रोग्राम्स है सोशली और एकेडमिकली रेलेवेंट प्रोग्राम्स है, और बच्चों के नीड के बेसिस पे ये प्रोग्राम्स निर्धारित होते हैं। इग्नो की एक सबसे बड़ी फीचर जो है इंडिविजुअलाइज स्टडी, जो इसका पाठ्यक्रम होता है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, ना कि टीचर सेंट्रिक। स्टूडेंट को केंद्र बनाकर इसका सारा पाठ्यक्रम होता है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इग्नो की, वो जैसे हम कहीं से भी इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जैसे कि मिनिमम आपको 2 वर्ष, जैसे कि अगर एक सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम आप ले रहे हैं तो मिनिमम आपको होता है 6 मास का ड्यूरेशन मिलता है, पर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप इसको मैक्सिमम 1-2 वर्ष में ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप जॉब करने वाले एक प्रोफेशनल है और अगर बाई चांस आपका कहीं कश्मीर या गुजरात में ट्रांसफ़र हो गया, तो इससे भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ट्रांसफ़र वहाँ के क्षेत्रीय केंद्र में करा सकते हैं, और इसी तरह आप अपना पाठ्यक्रम कंटिन्यू कर सकते हैं।
इग्नो के जो सारे प्रोग्राम्स है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यूज करते हैं, और हमारा जैसे मैंने पहले भी बताया हमारा जो क्षेत्रीय केंद्र है ऑल ओवर इंडिया है, और हमारे सारे जो प्रोग्राम्स है उसको कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि इग्नो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इग्नो के प्रोग्राम्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा रिकग्नाइज्ड है, द्वारा के सारे मेंबर यूनिवर्सिटीज द्वारा रिकग्नाइज्ड है, और इसके जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है मैनेजमेंट और कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो इग्नो के वो रिकग्नाइज्ड बाय AICTE है। अब पहले मैं आती हूँ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स का एडमिशन साइकिल के बारे में बताती हूँ। सारे जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स है वो दोनों जनवरी और जुलाई एडमिशन साइकिल में ऑफर में है, और ये हर एक प्रोग्राम जो है कोर्सेस को कंप्राइज करता है, और हर कोर्स जो है एक क्रेडिट को क्रेडिट वैल्यू होता है। जैसे कि इग्नो के हर कोर्स यानी कि कोर्स को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट मतलब एक क्रेडिट मतलब 30 घंटे की पढ़ाई होती है। तो इग्नो जो होता है इग्नो में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसके अलावा इग्नो में कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इग्नो भी है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे की स्लाइड में बताऊंगी। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री का जो एडमिशन साइकिल है वो जनवरी सेशन और जुलाई सेशन में है। जुलाई सेशन में कुछ प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ जुलाई सेशन में ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि BBARIL एंड BBASM। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री जो प्रोग्राम होता है वो सेशन स्पेसिफिक होता है, और हर प्रोग्राम जो है कोर्सेस में कंप्राइज किया जाता है। इसके अलावा MBA और PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स का एडमिशन साइकिल जो है जनवरी और जुलाई साइकिल में है। पहले जो होता था MBA और PG डिप्लोमा के लिए MBA प्रोग्राम्स के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ करती थी, अब इग्नो में एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये दोनों सेशन में ऑफर किए जाते हैं। अब मैं आपको कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इग्नो के बारे में बताना चाहती हूँ। इसमें आपको ये सुविधा है कि आप अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कुछ अधिक से जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप एक सिंगल कोर्स और या तो फिर एक लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज सब्जेक्ट टू 16 क्रेडिट मैक्सिमम आप एक इस स्कीम के अंडर आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है वो उस प्रोग्राम के तहत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। ये दोनों साइकिल ऑफ एडमिशन में ऑफर है, और ये सारे आप कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट रिसर्च और अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन प्रोग्राम के अलावा आप सारे कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ के जो कोर्सेज हैं ये कॉम्बिनेशन में भी, जैसे अगर कुछ कोर्सेज कॉम्बिनेशन में ही ऑफर किए जाते हैं तो उसी कॉम्बिनेशन में ही स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना पड़ेगा कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इग्नो के तहत। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस फेसबुक लाइव के द्वारा मैं आपको मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में अधिक जानकारी देना चाहूंगी। तो इग्नो में हमने अभी कुल 14 प्रोग्राम्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट जो है मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। तो इसमें कुछ प्रोग्राम सर्टिफिकेट लेवल पे हैं, पीजी डिप्लोमा लेवल पे हैं, और बैचलर्स डिग्री लेवल पे हैं, और मास्टर्स डिग्री लेवल पे हैं। तो ये प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला है जो सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स प्रोग्राम, सेकेंड इज बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सर्विस मैनेजमेंट प्रोग्राम, तीसरा है बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट रिटेल रिटेलिंग में है, बैचलर ऑफ कॉमर्स पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, और मास्टर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम। इग्नो के जो जितने आपको अगर प्रोग्राम्स अगर आपको रेफर करने की इच्छा है तो आप प्लीज़ हमारे इग्नो कॉमन प्रॉस्पेक्टस पे जाइए, httpwww.igno.ac.in पे आप जाएंगे, और इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे /userfile/commonprospectus-english-pdf से आप इग्नो के कॉमन प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं इग्नो के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चलिए अब हम जरा देख लेते हैं।
तो सातवां जो है वो पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन फिनेंशियल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन सर्विसेज मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइज्ड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैंकिंग एंड फिनांस इत्यादि 14 प्रोग्राम्स के बारे में अधिक मैं आपको अगले स्लाइड्स में बताना चाहूंगी। मैनेजमेंट का एक अलग से प्रॉस्पेक्टस होता है, तो इसका जो लिंक है वो मैंने आपसे शेयर किया है स्क्रीन पे, जैसे कि http://igno.ac.in/igno/studentzone/admission-announcement/management। सबसे जो पहला सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो मैनेजमेंट रिलेटेड है वो है सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स प्रोग्राम। तो अगर आप अपनी बिजनेस स्किल्स को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर ऑप्ट करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 10+2 पास है, मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश है, मिनिमम 6 माह की ड्यूरेशन है और मैक्सिमम 2 वर्ष में आप इस प्रोग्राम को ख़त्म कर सकते हैं और इसका जो फी स्ट्रक्चर है 3,200 रुपये। इसके अलावा ये जो ये एक नया जो प्रोग्राम है जो इन्होंने लॉन्च किया है वो है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सर्विस मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10+2 और 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए और ये जो है सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करने वाला एक बंदा होना चाहिए एज ए फुल टाइम इंटर्न, अप्रेंटिस और एज एन एम्प्लॉय। इसकी जो मीडियम ऑफ स्टडी है वो बहुत अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 6 वर्ष का है। इसका जो फी है 20,000 रुपये है 1 साल का और ये सिर्फ जुलाई एडमिशन साइकिल में ऑफर हो रहा है, ये जनवरी में नहीं ऑफर होता। इसकी जो कैटेगरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए जो होती है वो डायरेक्ट एंट्री है, जो कोई भी 10+2 पास वाला बंदा ये कर सकता है। इसके अलावा कैटेगरी बी जो होती है वो स्पॉन्सर्ड एडमिशन होती है, जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले होते हैं एम्प्लॉयज़ उनको स्पॉन्सर किया जाता है इस प्रोग्राम के लिए। तो वो स्पॉन्सर को एक एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट का भरना पड़ता है, उसके अलावा एक डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ इग्नू एंड पेएबल एट न्यू दिल्ली अटैच करके इसको एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। जो मीडियम ऑफ स्टडी है इंग्लिश, ड्यूरेशन मिनिमम 3 इयर्स एंड मैक्सिमम 6 इयर्स, उसके जो फी स्ट्रक्चर है 10,200 रुपये और ये जुलाई एडमिशन साइकिल में ही ऑफर किए जाने वाला एक प्रोग्राम है। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉपुलर सा एक प्रोग्राम है बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम, जो काफ़ी डिमांड में रहता है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट और इसकी जो मीडियम ऑफ स्टडी है बहुत अंग्रेजी और हिंदी में ये प्रोग्राम है और इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है 3 वर्ष का है, मैक्सिमम 6 वर्ष का है। पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन, जिसको अगर इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस में इंटरेस्ट है, उस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस देखते हैं या उसमें पढ़ाई कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बेहतरीन होगा। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट है। इसकी जो मीडियम ऑफ स्टडी है बोथ इंग्लिश और हिंदी में ये अवेलेबल है और इसका जो ड्यूरेशन है मिनिमम 1 वर्ष और मैक्सिमम 3 वर्ष का है और इसकी जो फी है 8,200 है। मास्टर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा पॉपुलर सा प्रोग्राम है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। जो बीकॉम करने वाले बच्चे हैं ज़्यादातर ये एमकॉम प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं, पर बीकॉम के अलावा भी जो बैचलर्स, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर्स डिग्री और हायर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका जो मीडियम ऑफ स्टडी है इंग्लिश और हिंदी में है और इसकी जो ड्यूरेशन है मिनिमम 2 वर्ष है और मैक्सिमम 4 साल है और इसका जो फी है 9,300 रुपये है पर सालाना और ये दोनों साइकिल ऑफ एडमिशन में जनवरी और जुलाई में ऑफर किए जाता है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स
जो ऑफर है इग्नो में, कुल 5 प्रोग्राम्स है मैनेजमेंट में, जो पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कुल 5 स्पेशलाइजेशन में ऑफर किए जाते हैं इग्नो में। एक तो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा फिनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट, चौथा मार्केटिंग मैनेजमेंट और पांचवा सर्विसेज मैनेजमेंट। तो यदि आपको इन इन किसी भी विषय में आपको तात्पर्य है तो आप प्लीज इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है वो एनी ग्रेजुएट है इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप विद 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 45% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है। और इसकी जो मीडियम ऑफ स्टडी है वो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। इसकी जो ड्यूरेशन है मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 वर्ष है और इसका जो फी है 20,000 रुपये है सालाना। तो अब हमने सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी हासिल कर दी और हमने पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के बारे में भी जानकारी ले ली। तो आगे हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स ऑफ इग्नो, जो काफ़ी डिमांड में है। जब से इग्नो में के एमबीए एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इस प्रोग्राम को काफ़ी बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। तो इसकी जो स्पेशलाइजेशन है, 4 स्पेशलाइजेशन है। एक है जनरल एमबीए होता है, एक एमबीए इन फिनेंशियल मैनेजमेंट, एक एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट और एमबीए ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन्होंने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और जो 45% इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी। जो ईच सेमेस्टर है इसमें 5 कोर्स होते हैं और इसकी जो मीडियम ऑफ स्टडी है इंग्लिश है और ड्यूरेशन है मिनिमम 2 वर्ष और मैक्सिमम 4 साल और इसकी जो फी है 15,500 रुपये होते हैं एक सेमेस्टर के। इसका जो पाठ्यक्रम का जो स्ट्रक्चर जो कह सकते हैं वो इस तरह है, इसका जो टोटल जो सब्जेक्ट्स जो एक एमबीए प्रोग्राम में आपको पढ़ने होते हैं वो 28 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। इस 28 सब्जेक्ट्स में 19 आपको कोर कोर्सेस होते हैं जो कॉमन होते हैं हर इसमें, और इसके अलावा अगर आप जो स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं उसके 8 कोर्स आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। और जो तीसरा सेमेस्टर है उसमें एक प्रोजेक्ट का कोर्स भी आता है। एक प्रोजेक्ट का जो कोर्स है वो इक्विवेलेंट टू 2 सब्जेक्ट्स है, MMPP 001, ये है एक प्रोजेक्ट जो आपको 3rd सेमेस्टर में करने के लिए आता है। तो टोटल एमबीए का जो पाठ्यक्रम अगर आप देखेंगे तो 28 सब्जेक्ट्स आप पास करेंगे तब जाके आपको एमबीए की जो डिग्री है वो आपको प्रदान होगी। अब मैं आपको एमबीए बैंकिंग एंड फिनांस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ये एमबीए प्रोग्राम जो होता है वो बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए मेनली फोकस किया हुआ एक प्रोग्राम है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पास्ट बैचलर्स डिग्री और मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स है, 45% इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी। इसके अलावा जो कैंडिडेट एलिजिबल होने के लिए उन्होंने CAIIB एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस बॉम्बे पास किया होना चाहिए और जो इंस्टीट्यूट के रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स है वो अवार्ड आपको किए होने चाहिए। इसके अलावा आप बैंकिंग या फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एटलीस्ट 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगते हैं एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये साधारण एक नॉर्मल इसके लिए नहीं है, जो स्पेशलाइज्ड बैंकिंग और फिनेंशियल फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसकी जो मीडियम ऑफ स्टडी है वो इंग्लिश है, ड्यूरेशन है मिनिमम 2 इयर्स मैक्सिमम 4 इयर्स और इसका जो फी है 15,500 है पर सेमेस्टर। तो अब तक मैंने जो आपको शेयर किया है वो मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में शेयर किया। इसमें मैंने आपको सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा और जो एमबीए प्रोग्राम्स ऑफ इग्नो है उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। जब आप
MBA डिग्री ऑप्ट कर रहे हैं तो इसके अलावा आपको कुछ एड ऑन प्रोग्राम्स इसके साथ साथ आप छह महीने के प्रोग्राम साथ में कर सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स और सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश। तो अगर इसको भी आप एड ऑन प्रोग्राम की तरह से आप ऑप्ट करेंगे तो आपके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए ये आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। एक अधिकतर जानकारी जो यहाँ मैं आपको इस फेसबुक लाइव में देना चाहती हूँ वो है अवेलेबिलिटी ऑफ इग्नो कोर्सेज इन स्वयं पोर्टल। इग्नो के कुछ एक कोर्सेज स्वयं पोर्टल में भी उपलब्ध है। स्वयं का मतलब है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो अगर आपको इग्नो के कुछ कोर्सेज स्वयं पोर्टल पर ऑप्ट करने हैं तो आप प्लीज इग्नो की वेबसाइट https://swayam.gov.in जाइए और आप ऑप्ट कर सकते हैं इग्नो के कोर्सेज। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड कोर्सेज भी स्वयं पोर्टल पे उपलब्ध है और ये स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है। तो इस फेसबुक लाइव से मैं आप सबको अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग सब इग्नो के कोई प्रोग्राम्स को जरूर ले। जो लास्ट डेट है फ्रेश एडमिशन की जल्द आ रही है, 30 जून है लास्ट डेट, 30 जून आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए। जो लिंक ऑफ ऑनलाइन एडमिशन्स अप्लाई करने की है वो है igno.admission.samarth.edu.in। आपको कुछ भी क्वेरीज है इस सेशन के बारे में या इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आप प्लीज़ हमें लिखिए rcquestion@igno.ac.in। इस इंफॉर्मेशन के अलावा मैं आपके साथ कुछ लिंक्स शेयर करना चाहती हूँ जो आपके पढ़ाई की जर्नी में आपको यूजफुल रहेगी। जो हमारा इग्नो आरसी कोचिंग का एड्रेस दिया हुआ है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है या आपको कुछ भी एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है आप प्लीज़ हमें संपर्क कर सकते हैं rcquestion@igno.ac.in। इसके अलावा जो लिंक ऑफ ऑनलाइन एडमिशन से वो शेयर किया गया है, हमारे जो इग्नो के सारे स्टडी मटीरियल से फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। ई ज्ञान कोश https://eGyankosh.ac.in में अगर आप जाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे आपको स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध है। आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और आप इसको रेफर कर सकते हैं। हमारे आरसी कोचिंग का फेसबुक पेज प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, हमारा जो ट्विटर अकाउंट है उसे भी आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा आरसी कोचिंग को एक इंस्टाग्राम अकाउंट है igno_rc_कोचिंग, इसको भी आप फॉलो कीजिए। इग्नो आरसी कोचिंग के काफ़ी सारे शैक्षणिक वीडियोस जो है इग्नो आरसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध हैं। आप ये जो मेरा सेशन है वेब यह भी आप यूट्यूब चैनल पे रेफर कर सकेंगे। आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल का जो लिंक है https://www.youtube.com/c/igno-regional-center-coaching। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप प्लीज़ हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। तो अब मैं अंत में आप सबको एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो एजुकेशन होता है, जो शिक्षण के काफ़ी सारे फायदे होते हैं, डेफिनेटली हमारे क्वालिफिकेशन को बढ़ोतरी देती है, हमारे प्रोफाइल को बढ़ोतरी देती है। और अगर आप किसी एक प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो ये आपके लिए एक ऐड ऑन क्वालिफिकेशन ज़रूर रहता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो मैनेजमेंट प्रोग्राम अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ ही आप एक ऐड ऑन शॉर्ट ड्यूरेशन एक प्रोग्राम ज़रूर ऑप्ट करें और इससे आपको ज़रूर एक बढ़ोतरी मिलेगी। इस फेसबुक लाइव को फैसिलिटेट करने वाले इग्नो अथॉरिटीज़ को मैं अपना हार्दिक धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इसके अलावा जो इस फेसबुक लाइव को ट्रांसमिट करने में मेरी मदद करने वाले श्री मोहम्मद अंसार और श्री मिस रेशमा सुरेश को भी मैं अपना हार्दिक धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इसके अलावा ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसको मेरी मदद करने वाले हमारी वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर जे एस चौरती मैडम को भी मैं हमारा हार्दिक नमस्कार कहना चाहती हूँ। आप सबको ये फेसबुक लाइव देख में मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं सबको आपका हार्दिक नमस्कार कहना चाहती हूँ। और
मैं आशा करती हूँ कि इस फेसबुक लाइव से आपको कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑफ इग्नू के संबंधित में, और मैं आशा ये करती हूँ कि आप ज़रूर कुछ एक प्रोग्राम में ज़रूर एनरोल करेंगे। हमारा जो लास्ट डेट है 30 जून है, तो ज़रूर आप एनरोल कीजिए। धन्यवाद।